गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको करैक्टर प्रस्तुतिकरण एवं बाइनरी अंकगणित के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, करैक्टर प्रस्तुतिकरण एवं बाइनरी अंकगणित क्या है, इसमें कुछ टॉपिक हैं मुख्य मुख्य, मैं उनको बारे में आपको समझाऊंगा। तो चलिए, यह तो आप जान ही चुके हैं कि डिजिटल कंप्यूटर में डेटा डिजिटल सिग्नल के रूप में स्टोर होता है। यदि सिग्नल का मान 0 वोल्ट है तो इसे बाइनरी बिट 0 से दर्शाते हैं। यदि +5 वोल्ट है तो इसे बाइनरी बिट 1 से दर्शाते हैं। वह सर्किट जो एक बाइनरी बिट स्टोर करता है, स्मृति कोष्ठ यानी मेमोरी सेल कहलाता है। ऐसे अनेक कोष्ठ मिलकर एक शब्द लाइन रिकॉर्ड वे फाइल को संग्रहित कर सकते हैं। ये असंख्य स्मृति कोड यानी मेमोरी सेल मिलकर ही स्मृति यानी मेमोरी का निर्माण करते हैं। एक मेमोरी सेल में यानी एक मेमोरी कोष्ठ में एक बिट तो स्टोर हो सकती है, किंतु उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक मेमोरी कोष्ठ का कोई एड्रेस नहीं होता है जिसके द्वारा उस तक पहुंचा जा सके। अंत एक अकेले कोष्ठ का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ऐसे 8 या अधिक कोष्ठ सामूहिक रूप से मिलकर एक डेटा आइटम स्टोर कर सकते हैं। इस समूह को एक एड्रेस भी दिया जाता है जिसके द्वारा उस समूह जैसे स्मृति स्थान कहा जाता है को एक्सेस किया जा सकता है। इस अध्याय में हम स्मृति में डेटा के प्रस्तुतिकरण पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि डेटा की कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं और उन्हें किस प्रकार कंप्यूटर कोड की सहायता से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बाइनरी अंक प्रणाली की मूल गणितीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले डेटा की इकाइयों पर दृष्टि डालते हैं। तो डेटा की इकाइयाँ क्या क्या हैं तो देखते हैं। सबसे पहली जो होती है बेटा, इसकी बिट होती है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक बिट डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बेटा, बिट, जिसका मान 0 अथवा 1 होता है। मात्र 2 संभव मान होने के कारण इसे बाइनरी बिट भी कहा जाता है। दूसरी है बेटा निम्बल, 4 बिट से मिलकर एक निम्बल बनता है, यानी 4 बिट मिलाकर क्या बनता है, एक निम्बल। तीसरी है बेटा बाइट, 8 बिट के समूह को, वो 4 बिट मिलकर क्या बनता है बेटा, निम्बल, लेकिन 8 बिट के समूह को मिलाकर बनती है बाइट, यानी 8 बिट के समूह मिलकर एक बाइट बनता है। एक निम्बल एक डेसिमल अंक जैसे 0, 1, 2, 3 को बाइनरी रूप में जैसे 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 प्रस्तुत कर सकता है। एक करैक्टर जैसे ABC को 8 बिट के समूह में प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्ड, वर्ड डेटा की मूल इकाई है। कोई भी छोटे से छोटा आइटम कम से कम एक वर्ड का तो अवश्य ही होगा। सामान्यतः एक बाइट की लंबाई 1 बाइट यानी 8 बिट, 2 बाइट 16 बिट, 4 बाइट 32 बिट या फिर 8 बाइट 64 बिट होती है। वर्ड की लंबाई से हमारा तात्पर्य है एक वर्ड में उपस्थित कुल बिट की संख्या से है। एक वर्ड डेटा अथवा सूचनाओं का ऐसा मूल भाग है जिससे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है अथवा वहां से पढ़ा जा सकता है। एक वर्ड में छोटे डेटा की मेमोरी में रीड राइट यानी रीड और राइट नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमने कहा कि वर्ड डेटा की मूल इकाई है। यहां पर छात्रों को संशय हो सकता है कि डेटा का सबसे छोटा भाग तो बिट है। वास्तव में यहां पर डेटा से हमारा अभिप्राय अर्थपूर्ण डेटा अथवा सूचना से है। एक बिट या एक वर्ड से छोटे बिट के समूह को कोई भी अर्थपूर्ण डेटा आइटम व्यक्त नहीं किया जा सकता और न ही उसे मेमोरी में रीड राइट किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक डेटा आइटम राम यानी राम जो शब्द है, यह किसी का नाम हो सकता है, किंतु मात्र आर अथवा आके डंडे अथवा मैं में कोई अर्थपूर्ण जानकारी नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक वर्ड से कम में कोई महत्वपूर्ण डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। वर्ड की लंबाई, एक वर्ड में उपस्थित कुल बिटों की संख्या उसकी वर्ड लेंथ अर्थात वर्ड की लंबाई कहलाती है। आजकल चल रहे कंप्यूटर की वर्ड लेंथ 32 या 64 बिट की होती है। 1 बिट निम्बल्स, वाइट,
ये करेक्टर होते हैं बेटा, जिन्हें हम जो आजकल जो कोई भी काम चल रहा है या तो 32 बिट की होगी या फिर 16 बिट की हो सकती है आज के लिए। डेटा भंडारण करने की क्षमता यानी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर सिस्टम की डेटा स्टोर करने की क्षमता बाइट या वर्ड में व्यक्त की जाती है। एक कंप्यूटर जितना डेटा स्टोर कर सकता है वह उसकी भंडारण क्षमता कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि कंप्यूटर 100 किलोबाइट डेटा स्टोर कर सकता है तो उसकी भंडारण क्षमता 100 केबी की होगी। भंडारण क्षमता की स्मृति साइज अथवा मेमोरी साइज में भी संबोधित किया जाता है। स्मृति का आकार यानी मेमोरी का साइज व्यक्त करने के लिए केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट इकाइयां प्रयोग की जाती हैं। आजकल मोबाइल में सुन रहे हो कि 3 GB का की रैम है, इतने जीबी की मेमोरी है यानी गीगाबाइट, कितने MB डाटा खर्च हो गया, ये आप सुनते होंगे। ऐसे ही बिल्कुल कंप्यूटर मोबाइल में वही चीज़ है। उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर में 256 MB रैम है और 10 GB हार्ड डिस्क है आदि। जैसे हम मोबाइल्स में बोलते हैं कि भाई 3 GB रैम है और 32 GB इसकी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी 32 GB है, एक्सटर्नल मेमोरी इसकी 128 है। कंप्यूटर में संग्रहित किसी भी डेटा फाइल का आकार अर्थात उस फाइल में अंदर लिखे डेटा का आकार बाइट में व्यक्त किया जाता है। जैसे एक फाइल का आकार 200 बाइट है आदि। इसके अतिरिक्त डेटा की अन्य इकाई अग्रित हैं। आगे की वीडियो में फिर आगे बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।